Assalamualaikum everyone, I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज के वीडियो में हम LCM फाइंड आउट करेंगे 28, 56, 112 and 140 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास हैं जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है और डिवाइड हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कौन से दो टेबल्स में आ सकते हैं? एक अपने और दूसरे बन के, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। सारी वैल्यूज हमें 2 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 बिल्कुल आता है 1 पे, 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 4 आता है। 2 पे जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में इसी तरह 11 नहीं आता, तो छोटा नंबर 10 आता है 5 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास, बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। एंड 2 टाइम 0 इज 0। सारी वैल्यूज अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती हैं, 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे, 2 आता है 1 पे और 8 आता है 4 पे। 2 के टेबल में 5 यहाँ देखिए 56, यहाँ भी 56 का जो आगे आता है 28 पे, तो हम 28 यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं। और 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास, बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब भी इनमें से कुछ वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं, जिनके लास्ट में इवन नंबर है उन्हें 2 से ही डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उन्हें हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। जैसे कि 7 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे। 2 के टेबल में 28 आता है, यहाँ हम कर चुके हैं 14 पे। और 35 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में है ऑड नंबर। अब सिर्फ और सिर्फ ये 14 हमें जो है वो 2 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, तो जब तक हमें ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रही हैं, हम उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। बाकी जो वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो रही उन्हें हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे और 35 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब ये सारे 7 हैं, 7 तो हमें पता है कि खुद प्राइम नंबर है, 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है। जबकि यहाँ हमारे पास 35 है, 35 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करें तो ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है, तभी वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। अगर हम 3 प्लस 5 करते हैं वो बनेगा 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 5 है, और 5 से 35 बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। अब हमारे पास यहाँ सारे 7 आ चुके हैं जिसको हमें 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम इन चारों वैल्यूज को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसका एलसीएम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को जिनसे हमने इन चारों वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है उन्हें कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 काउंट कर लेते हैं कितने 2 है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 5 इज 80, और 80 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 8 टाइम 7 इज 56 हो जाएगा हमारे पास, और लास्ट में आ जाएगा 0। मैं आपको रफ वर्क में भी करके दिखा देती हूँ। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 5 इज 80। 80 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 7 से तो 7 टाइम 0 इज 0 एंड 7 टाइम 8 इज 56, यानी कि 560 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो बहुत जल्द मिलती है आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।